जय सीएलसी, जय बॉस। मैं पहले मतलब गांव में ही था, गवर्नमेंट स्कूल में था। तो फिर पापा ने गाइड किया कि मतलब तुझे सीकर जाना चाहिए, तो फिर सीकर आया मैं और पापा भी साथ में आए थे। फिर सीकर में मतलब बहुत सारी कोचिंगें देखी, फिर सीएलसी आए तो सीएलसी में फिर बहुत से बात हुई, तो फिर अच्छा लगा, तो फिर सीकर में सीएलसी ज्वाइन की। फिर पापा की बहुत से बात होती रहती थी और फिर बढ़िया माहौल भी मिल गया एकदम। और टेस्ट भी रोज़ होते थे शाम को ऐसे, और टेस्ट में फिर मेडल सेरेमनी होती थी और अच्छा लगता था, मतलब मेडल मिलते थे, रोज़ मोटिवेशन मिलता था एकदम। तो फिर पापा भी बोलते थे वह अच्छा कर रहा है तो पढ़ाई करता रहे। और फिर मैंने क्या है कि 12th के बाद BSc नर्सिंग का फॉर्म भी दिया था, तो उसमें मेरा हो गया था। तो मतलब मैंने कहा कि पापा से कि मैं तो BSc कर लेता हूँ नर्सिंग में, तो उन्होंने कहा नहीं तू एक बार नीट की तैयारी तो, क्योंकि हमारी साइड क्या है कि नीट की तैयारी बहुत कम करते हैं। हाँ, वो गांव में क्या हुआ, नर्सिंग और उन्हीं में लोग ज़्यादा हो जाते हैं। सही बात है। तो बहुत सारे ने बोला कि नर्सिंग कर ले, तो फिर मैंने नहीं की, मतलब पापा ने मना कर दिया था। तो फिर मैंने अगले साल फिर नीट की तैयारी की, तो एक साल तो फिर मेरा हुआ नहीं क्योंकि 521 नंबर आए थे। फिर मैंने अगले साल और तैयारी की, तो CLC में फिर बॉस ने बहुत गाइड किया, तो फिर मेरा मतलब इस साल बढ़िया स्कोर हो रहा है और मैं एक डॉक्टर बन जाऊंगा और पापा को बहुत खुशी हो रही है। तो उन्होंने मेरे को फिर चित्तौड़गढ़ आज भेज दिया। उन्होंने कहा कि तू बॉस से मिल के आराम से एकदम बढ़िया और बात करके आ, ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिले। थैंक यू डियर।